फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज मैं बात करूंगी गजानिया के बारे में, कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी जो अगर आपने फॉलो की तो आप अपने गजानिया के प्लांट को खूब ढेर सारे अनगिनत फूल तो पा ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको पूरे साल भर तक बचा करके भी रख सकते हैं। जी हाँ, पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे ये छोटा सा पॉट है और इसके ऊपर देखिए कितने अच्छे से फूल निकल रहे हैं। और एक ये हैंगिंग बास्केट में लगाया है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है, जैसा कि मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि यहाँ पंजाब में बहुत हल्की या ना के बराबर धूप निकल रही है, तो ऐसे में गजानिया के फूल खिल नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके साथ में शेयर करती हूँ इसकी जानकारी कि इसमें आप किस तरीके से ज़्यादा फूल पा सकते हैं और इसकी पूरी देखभाल की जानकारी। तो गजानिया का प्लांट जो है, वैसे तो एक सीजनल प्लांट है, और ये अगर आपने अक्टूबर नवंबर में इसकी सीडलिंग की है या फिर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया है या पौधा लेकर के आए हैं, तो ये अब आपके फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया होगा प्लांट। चूँकि ये काफ़ी कम जो पानी है उसको पसंद करता है, इसीलिए इसमें अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो दो काम सबसे ज़्यादा मेन हैं जो आपको करने पड़ेंगे। एक काम तो ये है कि इसमें जो आप जब भी इसका प्लांट लगाएं तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जितनी रेतीली मिट्टी इसकी बनाएंगे आप, उतना ज़्यादा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। आपको मैं दिखाऊं अगर पास से, मेरे प्लांट में देखिए कितनी ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, यानी कि जो नदी वाली रेत है या कंस्ट्रक्शन वाली रेत है, जो भी आपको मिल जाए, इसमें 30-40% ज़रूर मिला है। उससे आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन बनेगी, जिसकी वजह से इसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो आपका प्लांट ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो पहली चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, वो मिट्टी रेतीली बनाए, मतलब इस सैंडी सॉइल बनाए, वेल ड्रेन सॉइल बनाए, जिसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहर ना सके। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात चीज़ है, क्योंकि इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसमें पानी सिर्फ और सिर्फ तभी दें जब इसकी मिट्टी आपको 1-1.5 इंच तक सूखी लगे। पानी देने से पहले हमेशा आपको ये चेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि इसकी मिट्टी जो है, आपको नमी अगर लग रही है तो बिल्कुल भी पानी ना दें। आप यकीन मानेंगे कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर धूप भी नहीं निकली है और ऊपर से मौसम भी काफ़ी कोहरे वाला और इस टाइम बारिश वाला कोहरा आ रखा है, तो इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है पिछले 10-12 दिन में। तो अगर इसमें पानी कम देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा, इसके विपरीत, अगर आपने इसमें पानी ज़्यादा दे दिया तो इसकी रूट रॉटिंग हो सकती है, या फिर पानी ठहरने की वजह से आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके ख़राब होने की सबसे ज़्यादा वजह है पानी का ज़्यादा देना। जैसे कि हम आम तौर पर धूप निकल रही है या मौसम गर्म है तो हम हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पौधों में पानी देते हैं, तो इसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि पानी का। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इसके अंदर कि आपको जो मिट्टी बनानी है, जब भी पौधा लगाएं या सीडलिंग करें तो इसमें सैंडी सॉइल बनाएं, यानी कि रेत वाली मिट्टी बनाएं। इसके अलावा, इससे ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको क्या करना है, इस पौधे में ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। जब भी आप पौधा लगाते हैं, नया पौधा लगाते हैं या सीडलिंग कर रहे हैं, तो जो मिट्टी बनाएंगे आप, उसी टाइम पर इसमें खाद भी देंगे। खाद किस तरीके से देनी है आपको, मैं आपको जैसे 40% आपने ले ली है इसमें नदी वाली या कंस्ट्रक्शन वाली जो भी आपको रेत मिल जाए, रेत, उसमें 30% आप मिलाइएगा जो आपकी मिट्टी होती है गार्डन की, नॉर्मल गार्डन सॉइल। उसके अलावा 30% आप इसमें मिला लीजिएगा अपना कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। ये मिलाने के बाद में जब आप पौधा लगाएंगे तो आपका पूरा सीज़न ये पौधा आपको फूल देगा, और आपको इसके अलावा इसमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इसको आप खाद कम दें तो ये अच्छे से चलेगा। इनफैक्ट अगर आपने ज़्यादा खाद दी है, ओवर खाद देने की वजह से आपका पौधा सूख जाएगा। तो आप इसमें बहुत कम खाद दें, क्योंकि
अगर आप इसमें से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो जब भी आपने पौधा लगाया है तब इसके अंदर अच्छे से खाद दे दी आपने 30%, उसके अलावा पूरा सीज़न मान लीजिए आपने अक्टूबर नवंबर में लगाया है तो अभी तक आपकी इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी, तो आप इसमें ज़्यादा खाद ना दें। हो सके तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अगर आप दे रहे हैं अपने और पौधों में तो बीच में एक दो बारी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, 15-20 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। बाकी जो खाद आप दे रहे हैं इसके अलावा कोई और फर्टिलाइज़र ना दें। तो ये है इससे ज़्यादा फ्लावर पाने का तरीका। अच्छा, साल भर तक आप इसको कैसे बना करके रखते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मई जून तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट, मतलब फ्लावरिंग करना ये कम कर देता है। जून तक ये फ्लावरिंग बिल्कुल इसमें हल्की होने लगती है। अभी तक तो ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और अप्रैल मई तक अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, मई के लास्ट में ये फ्लावरिंग करना कम कर देता है। तो उस टाइम पर इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं क्योंकि ये ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है मौसम में, तो इसको ह्यूमिडिटी वाला मौसम पसंद नहीं है और उस टाइम पे बारिश वगैरह भी होती हैं। तो अगर आप इसको बारिश से बचाएंगे, बारिश यानी कि पानी से बचाएंगे, इंडोर रख सकते हैं आप इसको। और इसको पौधे को आप जितने भी, अगर आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो एक चीज़ और, इसके फ्लावर जो सूख जाते हैं उनको किसी भी शार्प चीज़ से आप कट करते जाएं। जैसे कि ये तो अभी खिले नहीं हैं धूप की कमी की वजह से, जब ये खिल जाएंगे और उसके बाद में 2 से 3 दिन तक खिलते हैं इसके फूल, उसके बाद में आप इसको किसी भी शार्प चीज़ से कट कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब मई जून में जब फ्लावरिंग कम हो जाती है तो आप इसको ट्रिमिंग करके हल्की हल्की आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन तेज़ रोशनी वाली जगह पर जहाँ पर रोशनी अच्छी आती हो, तो ऐसी जगह पर आप रख दीजिए और उसके बाद में इसकी नॉर्मल केयर करते रहें। उस टाइम पर हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र दे दें। जब आपका जुलाई और अगस्त निकल जाएगा तो सितंबर में आप इसकी फिर से ट्रिमिंग करेंगे तो आपका, अगर आपने जून जुलाई में अपने प्लांट को बचा लिया तो आपका प्लांट जो है सर्दियों के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। हल्की सी ट्रिमिंग करके इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे तो आपका ये पूरा साल बना रहेगा। और जब नेक्स्ट सीजन शुरू होगा विंटर वाला तो इसमें ये स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरीके से आप इस पौधे की देखभाल कर सकते हैं, पूरे साल तक बचा सकते हैं और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।